हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें सामने अपने हैं महिंद्रा स्कॉर्पियन Z8 का सेलेक्ट वेरिएंट। बहुत से लोग कंफ्यूज होते थे कि बिग डैडी का हम कौन सा वेरिएंट ले। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था Z6 और Z8 वेरिएंट के बीच में, लेकिन जो बीच की खाई थी वो थी भाई करीब 2.5 लाख रुपए एक शोरूम की, जो कि ऑन रोड पे हो जाती थी 2,80,000 रुपए की। अब ऐसे में लोगों का मूड तो करता था कि यार Z6 छोड़कर Z8 ले, लेकिन जो बीच की इतनी बड़ी गहरी खाई थी उसको पार करने में हालत होती थी ख़राब। बहुत बड़ा मार्जिन था ना, तो कंपनी ने एक दांव खेल दिया। कंपनी ने कहा लो जी, हम बीच के गैप को कर देते हैं आधा आधा। उन्होंने Z8 में ही कुछ फीचर कम करके और Z6 में कुछ फीचर बढ़ा के निकाल दिया Z8 सेलेक्ट वेरिएंट। इतना बढ़िया वैल्यू फॉर मनी हो गया है। और यार इस वेरिएंट को देख कर ना, जिन्होंने पहले ले ली है, अब तक ले चुके हैं बिग डैडी को, वो इतना गालियां दे रहे हैं कि यार हमारे टाइम पे वेरिएंट क्यों नहीं था, क्योंकि इतने सही चीज़ें हैं। आपको इसमें देने हैं Z6 से करीब करीब 1,38,000 रुपये ऊपर, 1,38,000 रुपीज़ ऊपर। मतलब अब इसकी कीमत है जो मेरे सामने है मैनुअल डीजल वेरिएंट है 17,99,000 रुपये, 17,99,000 रुपीज़। ठीक, अब इसमें जो 1,38,000 आप ऊपर दे रहे हो, इतने सही वर्थ कर रहा है वो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो कि आपको करोल बाग में ले जाके लगवानी पड़ती थी, और इतना ही बिल बैठ जाता। एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आप फ्रंट लुक देख लो, कितनी सही चीज़ है कि इसमें आपको जो टॉप मॉडल वाला होता है ना हेडलैम्प, वही मिल जा रहा है। यहाँ पर LED है सब कुछ, मतलब इंडिकेटर से लेकर यहाँ पर रिफ्लेक्टर से लेकर प्रोजेक्टर तक सब कुछ LED। ये है अपना लो बीम के लिए और ये है अपना हाई बीम के लिए, दोनों के दोनों LED हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है जो कि सिक्वेंशियल है, मतलब साएं साएं चलेगा ऐसे करके। नीचे आ जाते हैं तो फॉग लैंप भी आपको मिल जा रहा है, वही प्रोजेक्टर वाला, और यहाँ आपको DRL मिल जाती है, क्या बात है। उसके साथ साथ जब ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको मिल जाती है इसमें क्रोम वाली, देख रही है, ये अपने Z6 में नहीं मिलती थी, Z8 में मिलती थी। सामने से अगर आप देखोगे तो फ्रंट लुक में ये आपको बिल्कुल वही Z8 वाला ही फील देने वाली है ज़बरदस्त। और उसके साथ साथ अगर चौड़ाई की बात करोगे, चौड़ाई तो पहले से ही इसकी 1919 mm है, 1919 mm, जिसकी वजह से भाई ये बिग डैडी कही जाती है। सिर्फ चौड़ाई से ही प्रेजेंस नहीं बनती, साइड प्रोफाइल में आके इसकी लंबाई ओवरऑल डायमेंशन से बनती है, वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल नीचे देखते हैं तो आपको मिल जाती है इस तरह से स्किड प्लेट, ज़बरदस्त। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पर, तो ये है कुछ साइड से गाड़ी। जैसा मैंने कहा था, साइड प्रोफाइल पर आके भी बता देती है कि ये बिग डैडी है। सबसे पहले ब्लैक कलर की गाड़ी पे हाईलाइट क्या हो रहा है, यहाँ पर ये अलॉय व्हील, तो बिल्कुल आपको इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं। 17 इंच है, 245/65 R17 डिस्क ब्रेक आगे भी है, डिस्क ब्रेक पीछे भी है, मतलब चारों के चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। और सिर्फ डिस्क ही नहीं है, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, मतलब जितने कंट्रोल पंट्रोल ब्रेकिंग से रिलेटेड होते हैं या होने चाहिए, या आप सोचते हो कि आप इतने पैसे खर्च करने के बाद चाहते हो, वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाता है। ठीक, आ जाते हैं मिरर की तरफ, तो मिरर आपको मिल जाते हैं LED इंडिकेटर के साथ। ये जो आपको ये छोटे छोटे क्रोम के पार्ट दिख रहे हैं, ये ऊपर से लगे हुए हैं, चाहे यहाँ पर देख रहे हो, चाहे ये यहाँ, ये इस जगह देख रहे हो, ये ऊपर से लगे हैं। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल लुक की, तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें मिल जा रही है जो Z8 में है। ठीक, ऊपर रूफ रेल मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये क्रोम की गार्निश मिल जाती है। और अभी इसमें वो नहीं लगा, अपना फुट स्ट्रैप नहीं लगा, वो गाड़ी के अंदर रखा है, वो लगने के बाद, वैसे बिना लगे भी जब कितना ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस फील करा रही है ना, है भी। लेकिन पता नहीं क्यों महिंद्रा इसको 187 mm का ही बोलती है, लेकिन भाई देखो सामने से आके बोलोगे ना, ये अपन को थार से भी ऊंचा लगता है। हाँ, कुछ कुछ पार्ट थोड़े से नीचे हैं उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन वाकई में प्रैक्टिकलिटी के तौर पर काफ़ी ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है। बाकी साइड प्रोफाइल से लंबाई की बात कर ले तो 4662 mm, 4662 mm इसकी आपको लेंथ मिल जाती है। ठीक हो गई बात, अब क्या करें, अब आ जाते हैं जरा बिल्कुल पीछे की तरफ। वैसे व्हील बेस अपना बच गया, व्हील बेस भी देख लो, 2750 mm का आपको इसमें व्हील बेस मिल जाता है, 2750 mm। आ जाते हैं रियर की तरफ, तो रियर में जो भी चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। मतलब Z6 में कैमरा नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको कैमरा भी मिल रहा है। आपको पीछे एक दो पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, आपको इस तरह से रिवर्स लैंप मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही लैंप जलाओगे, हेडलैम्प ऑलवेज ऑन मोड में इस तरह से जलती हुई LED, साथ में स्टॉप लैंप भी LED। यहाँ पर सिक्वेंशियल इंडिकेटर, सब कुछ वही टॉप मॉडल वाला। अगर आप Z8 L भी लोगे ना, Z8 लग्जरी, तब भी आपको यही रियर लुक मिलने वाला है।
यहाँ पर हो गया वाइपर, उसके साथ डिफॉगर, यहाँ पर ऊपर इंटीग्रेटेड है अपने स्पॉयलर के अंदर हाई माउंट स्टॉप लैंप, और भाई इतनी ऊंचाई पे टिका रखा है अपना क्या शार्क फिन एंटीना। ठीक, यह है पूरी पूरी बॉडी, और जैसा बताया कैमरा वो आपका यहाँ दिख जाता है। ओके, रिपोर्ट हो गई। बाकी हैंडल पे सिर्फ क्रोम वगैरह नहीं है जैसे टॉप मॉडल में आता है, वो चीज़ इसमें नहीं है, वो आपको बता देगी कि भाई ये Z8 सेलेक्ट वेरियंट है। चलो भाई बार बार से करते हैं कंप्लीट। यहाँ पर आ गया अपना डीजल का, डीजल लो, पेट्रोल लो, कुछ भी लो, ये देखो डीजल है। तो यहाँ पर हो गया अपना क्या जो DEF डलता है, यूरिया डलता है उसका फ्लैप। बाकी ये है अपनी 57 लीटर कंपनी कहती है, लेकिन 60 लीटर तक इसमें आ जाता है। एक इसमें भी अच्छी कैपेसिटी है इसकी, जैसे कई कंपनियाँ शुरू में भाई 10 लीटर में दोबारा मांग जाती थी, लेकिन इसमें अपन को 25 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, 20 लीटर तो डल ही जाता है। एक बार डलवाओ सर्विस तक कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अब हो गई बाहर बाहर से कंप्लीट गाड़ी, चीज़ें बाहर से आपको दिखा दी हैं, दोबारा से बता रहा हूँ Z8 सेलेक्ट वेरिएंट है ये, टेंशन ख़त्म है। Z6 लेने का मन नहीं है, थोड़े फीचर कम लग रहे हैं, लेकिन Z8 बहुत महंगी लग रही है, जो कि थी भी यार, बीच का गैप था 2,48,000 रुपये, 2.5 लाख का एक शोरूम, और ऑन रोड जाते आते हो जाता था करीब करीब 2,80,000 रुपये का, तो वो चीज़ अब आ गई है कम में, बीच का गैप हो गया कम 1.5 लाख रुपए, 1,55,000 रुपए आप Z6 से ऊपर दो, मतलब 17,99,000 रुपए एक शोरूम, और 21 लाख रुपए में अब आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन टोरा फीचर आपको मिल जाएंगे वही Z8 वाले। चलो भाई अब आ गई अंदर की बातचीत, अंदर भी बहुत कुछ है, अभी दिखाता हूँ। गर्मी आ चुकी है सॉलिड वाली, और आपको गाड़ी का दरवाजा खोलते ही भभका नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक ऐसा ठंडक का ब्लास्ट जो कि आपको अंदर तक तरोताजा कर दे। तो उसके लिए अपने पास है इन्वॉल्व का 1 सीरीज का स्प्लैश कार परफ्यूम। ये छोटा सा परफ्यूम इतना वर्सेटाइल है कि गर्मियों में ताजगी के साथ साथ आपके गाड़ी को भी ये चार चांद लगा देगा। इसकी शेप ऐसी है, इसको सीधा कप होल्डर में रख दो, या फिर इसमें मिलने वाले 3M टेप की मदद से इसको अपने डैशबोर्ड पे कहीं भी चिपका दो, आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड और लुक में सॉलिड एनहांसमेंट कर देगा। और केवल लुक ही नहीं, ये अपने प्रैक्टिकलिटी में भी जबरदस्त है। सबसे बड़ी चीज ये लीक प्रूफ है। आपने देखा होगा ना बहुत परफ्यूम इतनी हीट लगती है गाड़ी के अंदर कि वो लीक हो जाते हैं, ये वो नहीं करता। और उसके साथ साथ ऊपर इसमें फ्लैप दिया हुआ है, जितनी भी आपको गाड़ी में खुशबू चाहिए उसी हिसाब से आप इन फ्लैप्स को ओपन कर सकते हो। तो हमेशा की तरह मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया, वहां जाके चेकआउट करो। ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को प्रेफरेंस दो, उसके साथ साथ 10% का भाई का कूपन कोड भी लगाओ एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, जाके बाय करो इन्वॉल्व 1 का स्प्लैश कार एयर परफ्यूम। सबसे पहले तो ये देख लो, सॉफ्ट टच आपको मिल रहा है, ग्लॉसी ब्लैक, यहाँ पर आपको बटन्स मिल जा रहे हैं, टिंग 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 मिल जा रही है। चलो इसे यहाँ रख देते हैं, हाँ तो आपको ग्लॉसी ब्लैक बटन्स मिल जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड नहीं कर सकते, फोल्ड आपको हाथ से ही करने हैं। ठीक, और उसके अलावा सॉफ्ट टच तो बता ही दिया, हैंडल वाली फीलिंग है पूरी पकड़ के भाई, बड़ी गाड़ी वाला फील तभी आता है। उसके साथ आ जाए यहाँ पर मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर, स्पीकर 1, 2, 3, 4, चार डोर में 4 स्पीकर है। बाकी ट्विटर देखते हैं तो बिल्कुल ट्विटर भी आपको इसमें मिल जा रहा है, मतलब 4+2 का आपको इसमें सेटअप मिल रहा है म्यूजिक का। उसके अलावा आ जाते हैं सीट पर, तो सीट सबसे पहले देखो हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है ये इस तरह से, और साथ में लंबर सपोर्ट आपको मैनुअल मिल जाता है। अपहॉस्ट्री पूरी की पूरी लेदरेट देख रहे हैं यहाँ, ये आपको सीट कवर अब चढ़वाने की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसके आते भी महंगे थे यार सीट कवर, मतलब मैंने खुद देखा अच्छे ब्रांड के लेते हो तो 12-14 हज़ार रुपये के सीट कवर होते थे, वो भी खर्चा खत्म हो गया भाई, ये लगा दिया है। तभी मैं कह रहा था आपसे कि जितने पैसे इसके फालतू ले रही है कंपनी Z8 सेलेक्ट के, 1,38,000 रुपये एक शोरूम, वो वर्थ है पूरी तरह से। ठीक, ये हो गया। बाकी एयरबैग, ये भी सबसे बड़ा भाई अप है इस चीज़ में, 6 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं, है ना बढ़िया चीज़। 1, 2, 2 सीट के साइड में, 2 हो गए अपने साइड का 10 और 2 हो गए फ्रंटल इंपैक्ट वाले, टोटल 6 एयरबैग आपको इसमें मिल जा रहे हैं। चलो अब इसको लगाते हैं एक बार यहाँ, और एक बार इसमें बैठ ही जाता है भाई, फुट स्ट्रैप के बिना इस जहाज पे बैठना हो जाता है बहुत भारी काम, कोई बात नहीं ऐसे बैठता है। तो यह है कुछ अंदर से माहौल, इसको करते हैं बंद, जेब बात, और देखो क्या हिलती है गाड़ी, देख रहे हो इसका झूला ही अलग है भाई स्कॉर्पियो का। क्लच दबाया और गाड़ी करते हैं स्टार्ट भाई, AC ऑन करके बनाएंगे वीडियो तभी कुछ सांस आएगी। ब्लैक कलर की गाड़ी धूप में खड़ी हुई, टिंग 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 टिंग, अच्छा योर व्हीकल इज रनिंग ऑन लो फ्यूल, जैसा हमेशा जो शोरूम होता है वहाँ की गाड़ी में होता है। चलो भाई ये आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, एक बार हल्का सा यार देखें जरा थोड़ा सा, हाँ ये आपको इस तरह से दिख जा रहा है पूरा का पूरा क्लस्टर। क्या है, इधर हो गया अपना टैको,
इधर हो गया अपना स्पीडो और बीच में जो हमारा डिस्प्ले है ये आपको 17 सेंटीमीटर वाला मिल रहा है। इससे नीचे मतलब Z6 में जाते हो तो आपको वही मोनोक्रोम वाला 10 सेंटीमीटर वाला मिलता है, लेकिन इसमें आपको वो टॉप मॉडल वाला मिल जा रहा है। क्या बात है। चेक टायर डायरेक्शन, बिल्कुल टायर का डायरेक्शन भी आपको इसमें दिखा दे रहा है। नीचे हो गया यहाँ पर फ्यूल गेज, ये हो गया इंजन का टेम्परेचर, उसके अलावा ये हो गया बाहर का टेम्परेचर 34 डिग्री, साथ में ये घड़ी, और उसके अलावा तमाम जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह देखनी है वो आप यहाँ से देख सकते हो। कंट्रोल दे रखा है, ये देखो स्पीड डिजिटल फॉर्म में देख लोगे, बाकी उसके अलावा फिर से दबाएंगे तो आपको पूरा का पूरा मेन्यू दिख जाता है। और नेविगेशन हो गया, नेविगेशन जो इसका इनबिल्ट है वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, आपको एंड्रॉयड ऑटो नहीं लगाना कोई बात नहीं। और सेटिंग, अलर्ट, हिस्ट्री, बाकी सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं, ड्राइव इन्फो, ट्रिप ए ट्रिप भी सारी डिटेल दिख जाएंगी। ठीक, तो ये आपको मिल जाता है पूरी तरह से क्लस्टर। इसको एक बार यहाँ पर लगा देते हैं हम दोबारा से जेब बात। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्लस्टर। आ जाते हैं स्टेयरिंग व्हील पर, तो देखो स्टेयरिंग व्हील यार पूरा का पूरा लेदर रैप्ड है, बिल्कुल भाई टॉप मॉडल वाला सीन पूरा। देखो टिल्ट है और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। उसके अलावा हॉर्न देखते हैं तो पों पों वाला टू टोन में मिल जाता है। दोनों साइड कंट्रोल्स दिख रहे हैं। इधर तो हो गए अपने टेलीफोनी के कंट्रोल्स, ये देखो वॉइस कमांड वगैरह सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। उसके अलावा इधर देखते हैं तो यहाँ मिल जाता है आपको क्रूज कंट्रोल, बहुत बढ़िया। और क्या चीज़ बची, बाकी स्टेयरिंग व्हील का फील मस्त है। यहाँ पर आपको हेडलैम्प के कंट्रोल दिख रहे हैं जो कि मैनुअल है, उसके साथ यहाँ पर आपको ये दिख रहा है वाइपर का कंट्रोल जो कि मैनुअल है। ओके रिपोर्ट हो गई, आ जाते हैं बीच में। ये देखना शुरू हुआ अब, डे लाइट ब्राइटनेस कर ली तेज हमने, हाँ अब देखना शुरू हुआ ना, ये देखो। तो भाई ये आपको मिल जाता है इस तरह से पूरा का पूरा म्यूजिक सिस्टम। एड्रेनॉक्स इनेबल्ड है, वाट 3 वर्ड्स जो कि Z8 में आता था वो भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों के दोनों इसमें वायरलेसली काम करते हैं, है बढ़िया चीज। और साथ में ये देखो नीचे भाई SOS, वन टच SOS वाला भी फीचर इसमें मिल रहा है। मतलब जो Z8 में सारे के सारे फीचर मिलते थे वो आपको इसमें मिल रहा है, एलेक्सा इनेबल्ड है। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ से देखता है तो ये देखो सारी एप्स आपको दिख जाती हैं, और नीचे को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको सारे एड्रेनॉक्स के फीचर भी मिल जाते हैं। तो इसको कर देते हैं ऊपर, अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो ये आपको मिल रहा है वन टच शॉर्टकट कंट्रोल्स, साथ में यहाँ पर AC यूनिट मिल जा रही है, सब कुछ ग्लॉसी में है, अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी ब्लैक। साथ में नीचे देखते हैं तो जैसा आपको पता है SOS का वन टच कंट्रोल, इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में हजार्ड का टिंग 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 टिंग, उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, साथ में जो अपना हिल डिसेंट कंट्रोल है उसे एक्टिव करने के लिए, साथ में ड्राइव मोड क्योंकि डीजल है भाई साहब, तो ड्राइव मोड भी आपको मिल जा रहा है। जिप जैप जूम, ये देखो दिख रहा है। ठीक, नीचे देखते हो तो नीचे आपको USB पोर्ट इसमें कुछ भी कनेक्ट करने के लिए, साथ में चार्जिंग के लिए USB पोर्ट एक और मिल जा रहा है। फोन रखने की जगह हो गई। 6 स्पीड का गियर नॉब है और वो भी अपना लेदर रैप्ड है, देखो। ठीक है, यहाँ पर दो कप होल्डर हो गए, बॉटल होल्डर कुछ भी कह दो, साथ में हाँ गया अपना सॉफ्ट टच के साथ साथ चाबी भी रखने की जगह है, ये हो गया अपना यहाँ पर। ठीक है, आर्म रेस्ट, छोटा सा स्पेस है। साथ में यहाँ पर हो गया अपना मैनुअली एडजस्टेबल IRVM और सनग्लास होल्डर, उसके साथ साथ ये हो गया लैंप LED वाली, ब्राइटनेस बड़ी तेज है, रात के टाइम से जलाता है पूरा रोशनी रोशनी हो जाती है एक लैंप से एक साइड से ही। ठीक है, उसके अलावा माइक है, यहाँ पर आ जाता है तो ये है अपने यहाँ पर, ठीक है, टिकट होल्डर और साथ में अच्छा लैंप के साथ मिरर है। अब देखो अभी आपको बीच में यहाँ पर यह भी मिल जा रही है, क्या बात है, Z6 में ही मिलती है, इसमें ही मिल रही है, अच्छी चीज़ है। और Z6 सबसे ज़्यादा जो लोग चूज़ करते हैं ना ओवर Z4, तो वो इसी के लिए ही करते हैं यार, वो कहते हैं कि यार हमें ये मिल जाएगी, लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो Z6 से Z8 सेलेक्ट पे जाने वाले हैं। उसके अलावा Z8 में और क्या मिल रहा है आपको, तो आपको ये भी मिल जा रहा है, सब कुछ सॉफ्ट टच, देखो रियल है भाई, लेदर 8 है पूरा का पूरा प्रीमियम, देखो है मस्त। उसके अलावा नीचे देखते हैं तो ये आपको मिल जा रहा है इस तरह से ग्लो बॉक्स। चलो भाई यहाँ से हो गई पूरी की पूरी, अब क्या करें, इसे करते हैं एक बार बंद। अब आते हैं पीछे की तरफ, जहाज में से उतर के नीचे, अब देखो ये आपको यहाँ पर मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है, ये तो पूरा का पूरा ये रखा हुआ है। फिलहाल आपको पीछे की सीट्स में ये तो सारी चीज़ें देख ही रखी है ना आपने, पीछे कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो मैं इसमें हाईलाइट करके दिखाऊं। फिलहाल ये फोल्ड है, इसको अगर खड़ी करेंगे हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। लो जी जय बात, ये देखो। तो भाई इस तरह से आपको मिल जाता है पीछे का पूरा माहौल। यहाँ पर आपको नीचे नॉब मिल रहा है हवा कम ज़्यादा करने के लिए, क्योंकि AC वेंट भी मिल रहा है, साथ में Type-C, बिल्कुल सीधा Type-C से आप चार्ज कर सकते हो। हम्प थोड़ा सा ऊंचा है लेकिन बहुत पतला है,
जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीन बंदे तो ऐसे राजा की तरह बैठेंगे क्योंकि ये बिग डैडी है इसीलिए। बाकी पीछे भी लैम्प मिल जाती है आपको, थर्ड रो भी है इसमें क्योंकि भाई बिग डैडी है ये, बंदे ज्यादा ही बिठाएंगे उसके साथ, उनके लिए भी पीछे लैंप दिए हुए हैं। ठीक, दो दो हेडरेस्ट पीछे की सीट के लिए आपको एडजस्टेबल मिल रहा है, बाकी बीच के लिए आर्मरेस्ट भी है कप होल्डर के साथ, और यहाँ पर आपको छोटा सा हेडरेस्ट मिल जाता है। ठीक, बाकी उधर वाली सीट है पीछे जाने के लिए। ओके, रिपोर्ट हो गई। तो ये है कुछ, इसको करते हैं बंद। अब कहाँ, अब आ जाते हैं सबसे पीछे। ये सारी सीटें खड़ी करने के बाद आपको इतनी जगह मिलती है, छोटा मोटा डफल बैग वगैरह इसमें आ जाता है, नहीं तो आप इस पूरी की पूरी सीट को भी फोल्ड कर सकते हो। अपना ओके रिपोर्ट आ जाइए। वैसे एक चीज़ है, थोड़ा सजेशन कंपनी के लिए, इस वाली जो लास्ट वाली सीट है ना, इसको 50-50 का स्प्लिट बना देना, मज़ा आ जाएगा। मतलब लोग इसमें 6 बंदे जाकर भी यहाँ पर सामान रख सकते हैं एक साइड। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये है पूरी कहानी। चलो अब बातचीत कहाँ आती है, इंजन बे की। Z6 जो वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन मिलता था, डीजल का। लेकिन Z8 सेलेक्ट आने के बाद जो पेट्रोल लेने वाले लोग हैं, भाई मेट्रोज में पेट्रोल की ही बहुत बहुत ज़्यादा हाइप रहती है क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी यार लिमिटेड टाइम के लिए, तो अब आप इसमें पेट्रोल ऑप्शन भी ले सकते हो। चलो भाई इसको करते हैं यहाँ से, अरे वाह भाई वाह। तो यहाँ आपको मिल रहा है, अभी अपने पास डीजल है तो डीजल की बातचीत करते हैं। 2.2 लीटर का डीजल इंजन, पावर की बात करें 172 BHP की, वहीं टॉर्क की बात करते हैं तो आपको मिल जाता है लगभग 370 NM का टॉर्क। पावर बहुत है, फील बड़ा ज़बरदस्त देती है, साइलेंट बहुत है, मतलब कैबिन के अंदर आवाज़ आती नहीं है इंजन की। उसके अलावा रंग बिरंगी पाइप्स आपको दिख रही हैं, वो है ABS EBD यूनिट, ये है पूरा का पूरा सेटअप। अब एक बार इसको बंद करते हैं। हाँ, अब बात आती है माइलेज की। तो अगर आप इसको मतलब ऑटोमेटिक में लेते हो तो ये करीब 11-11.5 तक एवरेज देती है आपको, 12 तक का। हाँ, हाइवे पर तो यार डीजल इंजन जो है हाईवे पर तगड़ी एवरेज देता है, मैं ओवरऑल मिक्स कंडीशन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर मैनुअल लेते हो तो मैनुअल में आप इससे करीब 14-15 की एवरेज निकाल लेते हो, डिफरेंस है ऑटोमेटिक और मैनुअल में, वही चीज़ आप फील भी करोगे। चलो अब क्या चीज़ बची, अब बात आ गई सेफ्टी की। तो बिल्कुल सेफ्टी भी आपको इसमें मिल रही है, 5 स्टार है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन जो अपना फोकस है, वो फोकस है अपना ये नया इंट्रोड्यूस्ड जो Z8 सेलेक्ट वेरिएंट है उस पर। पहले बहुत गैप होता था Z6 और Z8 के बीच में, बहुत लोग चाहते थे कि थोड़े से फीचर जो है हम ज़्यादा ले लें Z6 से, लेकिन बीच में आता था करीब 2,80,000 रुपये का फ़र्क होता था, बहुत है यार, तो वो चीज़ लोग पूरी नहीं कर पाते थे, Z6 लेते थे। लेकिन अब उनकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, जो आप करोल बाग जाके भी फीचर अपडेट कराते थे वही चीज़ उतने ही पैसों में या उससे कम ही पैसों में कंपनी आपको दे रही है, अच्छे खासे फीचर दे दिए यार। सिर्फ 1,38,000 रुपये ऊपर दो आप Z6 से, मतलब 16,61,000 रुपये, 69,61,000 रुपीज़ अपना Z6 का है एक्स शोरूम प्राइस, और यह आपको मिल रही है 17,99,000 17,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, सबसे पहले अलॉय व्हील मिल जा रहे हैं आपको, यहाँ पर हेडलैम्प मिल जा रहा है, LED प्योर, ठीक, सिक्वेंशियल यहाँ पर इंडिकेटर मिल रहे हैं, नीचे आपको भाई स्टिंग वाला जो डिज़ाइन है इनका, फॉग लैम्प के साथ DRL के साथ ये मिल जा रहा है, यहाँ क्रोम वाली अपने मिल जा रही है इस तरह से ग्रिल। उसके साथ साथ अगर अंदर की बात करें तो अंदर आपको मिल रहा है यहाँ पर पूरा का पूरा लेदरेट, ठीक, ग्लॉसी पूरा ट्रिम, यहाँ पर अपना जो क्लस्टर है, क्लस्टर मिल रहा है टॉप मॉडल वाला 17 सेंटीमीटर वाला। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको इस तरह से पूरा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार में वायरलेस चलने वाला म्यूजिक सिस्टम एड्रेनॉक्स एलेक्सा इनेबल्ड, साथ में आपको SOS फीचर यहाँ पर मिल जा रहा है, और उसके अलावा पूरा जो अपना डैश एरिया है वो सॉफ्ट टच के साथ मिल रहा है, हैं चीज़ अच्छी, साथ में सीट कवर तो ले ही रहे हो आप, बढ़िया। ये सारी चीज़ें इस कीमत में बिल्कुल वर्थ हैं, बहुत से लोग चूज़ करने वाले हैं। Z6 केवल डीजल में होता था, अभी आप जो Z8 सेलेक्ट है उसे पेट्रोल में भी चूज़ कर सकते हैं, जो अभी बहुत लोगों के लिए कन्वीनियंट होने वाला है। तो आपको कैसा लगा वेरिएंट बताना ज़रूर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंपनी का जो मूव है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।